हेलो फ्रेंड्स, 11th NCERT एग्रीकल्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व एवं शाखाएं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2, मौसम एवं जलवायु, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट है हमारा मौसम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कृषि मौसम विज्ञान के बारे में। थर्ड पॉइंट है जलवायु। फोर्थ पॉइंट है कृषि जलवायु विज्ञान। फिफ्थ पॉइंट है मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? ए है सौर विकिरण, जिसमें हम प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि, इनके बारे में बात करेंगे। बी है वायुमंडलीय तापमान, इसके बारे में बात करेंगे। सी है वायुमंडलीय आर्द्रता, इसके बारे में हम बात करेंगे। डी है वायुमंडलीय दाब, इसके बारे में बात करेंगे। ई है हमारा वायु, एफ है वर्षण और जी है बादल। हम इन सब टॉपिकों के बारे में जीरो से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, एक एक पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मैंने चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जलवायु और मौसम हमारे भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप हैं और मानव जीवन की लगभग प्रत्येक गतिविधि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य की आर्थिक स्थिति, उद्योग, व्यापार, मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता भी जलवायु से प्रभावित होती हैं। मनुष्य की ये पॉइंट कह रहा है मनुष्य की आर्थिक स्थिति, उद्योग, व्यापार, मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता आदि जलवायु से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में जो अंतर परिलक्षित होता है, उसका मूल कारण जलवायु ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता और पाश्चात्य विचारक, जिनका नाम है केंड्रेयू। क्या नाम है? केंड्रेयू ने जलवायु की महत्ता के विषय में कहा है कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्या कह रहे हैं ये? जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पौधों की प्रत्येक वृद्धि अवस्था प्रचलित मौसम परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम एवं जलवायु का अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु वास्तव में दोनों का अर्थ है जो भिन्न भिन्न है। हम उनको कहते हैं एक ही है, मौसम और जलवायु एक ही बात है, लेकिन उन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। मैं एक बार इसको वापस रिपीट करूंगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम एवं जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु वास्तव में दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यू पॉइंट स्टार्ट हो रहा है मौसम। अब हम मौसम के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सामान्यतः वायुमंडल की ताक्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। वायुमंडल की ताक्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था है और ऊष्मा, नमी तथा वायु की गति की अवस्थाओं में लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित हैं। किसी क्षेत्र में नियत समय पर वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब, हवा, नमी, बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता से वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती है, मौसम कहलाती है। क्या कह रहा है पॉइंट हमारा? किसी क्षेत्र में नियत समय पर वायुमंडल की अवस्था
जो तापमान, दाब, हवा, नमी, बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती हैं, क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक अत्यधिक परिवर्तनशील है। मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है, यह निरंतर बदलता रहता है, कभी कभी प्रत्येक घंटे और कभी कभी प्रत्येक दिन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता ट्रिवार्थ के अनुसार किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, यह है ट्रिवार्थ जो एक वैज्ञानिक है, जलवायु विज्ञानवेत्ता है। वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। मैंने आपको बताया था, प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता त्रिवार्त के अनुसार किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। दो तीन परिभाषा इसमें दे रखी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सामान्यतः इसको अच्छा, साफ, धुंधला, मेघयुक्त, बरसाती या वृष्टिमान, उजला तथा तूफानी मौसम जैसे शब्दों से व्यक्त करते हैं। किसको? मौसम को। कैसे कैसे व्यक्त करते हैं? अच्छा, साफ, धुंधला, मेघयुक्त, बरसाती या वृष्टिमान, उजला तथा तूफानी मौसम जैसे शब्दों से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यू पॉइंट है, कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन भी इसमें दे रखी है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यह मौसम विज्ञान की शाखा है। कृषि मौसम विज्ञान मौसम विज्ञान की शाखा है जिसमें पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंध का अन्वेषण किया जाता है। भौतिक पर्यावरण से संबंध का अन्वेषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फसलों, घासों, वृक्षों, पशुओं, कीटों तथा व्याधियों के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित विज्ञान कृषि मौसम विज्ञान कहलाता है। किसे कहते हैं कृषि मौसम विज्ञान? फसलों, घासों, वृक्षों, पशुओं, कीटों एवं व्याधियों के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित जो विज्ञान है उसे कृषि मौसम विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट हमारा न्यू पॉइंट है, जलवायु। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? क्लाइमा शब्द से। सामान्यतः यह दो शब्दों जल एवं वायु के समावेश से बना है। जल से तात्पर्य वायुमंडल की आर्द्रता, वर्षा से है, और वायु की गति, दिशा, तापक्रम आदि व्यवस्थाओं का वायु से संबंध है। अतः किसी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु कहलाती है। त्रिवार्त के शब्दों में दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामान्यीकरण जलवायु कहलाता है। पॉइंट क्या कह रहा है? यहाँ दो शब्दों जलवायु एवं जल एवं वायु का समावेश से बना है। जल से तात्पर्य वायुमंडल की आर्द्रता से है, आर्द्रता वर्षा से है, और वायु की गति, दिशा, तापक्रम आदि व्यवस्था का वायु से संबंध है। अतः किसी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु कहलाती है। आप इसे परिभाषा के रूप में अवश्य लिख सकते हैं। त्रिवार्त के शब्दों में दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता समन्वय तथा सामान्यीकरण क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अन्य शब्दों में दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के मौसम की समग्रता को जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के औसत मौसम को इंगित करता है। इंगित का मतलब दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा न्यू पॉइंट है, कृषि जलवायु विज्ञान। वह विज्ञान जिसमें कृषि से प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखने वाले जलवायु विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, कृषि जलवायु विज्ञान कहलाती है। क्या कह रहा पॉइंट हमारा? वह विज्ञान जिसमें कृषि से प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखने वाले जलवायु विज्ञानों विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, कृषि मौसम विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसमें मृदा, वायुमंडल व पादप प्रति के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा, वायुमंडल व पादप प्रति के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें जलवायुवीय व्यवस्थाओं का कृषि उत्पादन के साथ साथ संबंध का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा न्यू पॉइंट है,
मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। वायुमंडल की वे दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है, उन्हें मौसम एवं जलवायु के तत्व कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है, मौसम एवं जलवायु के तत्व किसे कहते हैं? वायुमंडल की वे दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है, उन्हें मौसम एवं जलवायु के तत्व कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सौर विकिरण, सेकंड है तापमान, सॉरी टेक्निकल इशू आ गया था, चौथा पॉइंट है वायुमंडलीय दाब, पांचवा है वायु, छठा है वर्षण, सातवां है बादल। इसमें हमारा सौर विकिरण की बात करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली लगभग संपूर्ण ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सूर्य के द्वारा। वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं भी सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती हैं। विकिरण की क्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे आत्पन या सूर्यताप कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाष्पन, मृदा एवं वायु का गर्म होना आदि प्रक्रियाएं भी इस ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती हैं। क्या कह रहा है? विकिरण की क्रिया द्वारा सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आत्पन या सूर्यताप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश की गुणवत्ता। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं और पौधों द्वारा सहन कर ली जाती हैं तथा इनके प्रभाव से पादप कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं, इनकी वृद्धि रुक जाती है। किसके कारण रुक जाती है? पराबैंगनी किरणों के कारण। ये किरणें बीज अंकुरण एवं इनके प्रभावी विकास को भी प्रभावित करती हैं। अनाज वाले पौधों में फूटान के निर्माण, पत्तियों के आकार, जड़ विकास भी प्रकाश से प्रभावित होते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रकाश की लाल रंग की किरणें प्रकाश संश्लेषण एवं अंकुरण क्रिया को सर्वाधिक प्रोन्नत करती है, मतलब प्रभावित करती है। अंकुरण क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, कहने का मतलब, तथा दीर्घकरण को रोकती है। हरी नीली विकिरण भी बीज अंकुरण क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। जो हरी और नीली विकिरण क्रिया होती है वो बीज अंकुरण क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारा न्यू पॉइंट है प्रकाश की तीव्रता, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इससे अभिप्राय प्रकाश की मात्रा या चमक से है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। क्या कह रहा हमारा पॉइंट? इससे अभिप्राय प्रकाश की मात्रा या चमक से है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अधिकतम प्रकाश तीव्रता, जहाँ पर पौधे की श्वसन दर, प्रकाश संश्लेषण दर समान रहती है, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाती है। आपको पूछे क्षतिपूर्ति बिंदु कैसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं अधिकतम प्रकाश तीव्रता, जहाँ पर पौधे की श्वसन दर एवं प्रकाश संश्लेषण दर समान रहती है, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा अधिक तापमान पर यह बिंदु भी अधिक होता है। नेक्स्ट आपके मौसम एवं जलवायु में अंतर का पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लिख सकते हैं मौसम एवं जलवायु में अंतर। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ किसी स्थान पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंधित है। जलवायु में फर्स्ट पॉइंट है यह वृहद क्षेत्र की दीर्घ वृद्ध अवधि के मौसम की औसत स्थिति से संबंधित है। मौसम में सेकंड पॉइंट है यह हमेशा परिवर्तनशील है, जो वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ बदलता रहता है।
जो वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है जलवायु में, यह लगभग स्थायी और क्षेत्र के साथ बदलता रहता है। मौसम में तीसरा पॉइंट है, यह जलवायु की इकाई है। जलवायु में तीसरा पॉइंट है, यह विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप है। मौसम में चौथा पॉइंट है हमारा, एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जलवायु में चौथा पॉइंट है, जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है, दीर्घ अवधि के साथ परिवर्तन आ सकता है। मौसम में पांचवा पॉइंट है हमारा, यह जलवायु का विविधीकरण है। जलवायु में पांचवा पॉइंट है हमारा, यह मौसम का एकीकरण है। इसी के साथ मैं आपको फर्स्ट पार्ट से यही समझाना चाहता था कि आपके मौसम एवं जलवायु चैप्टर टू में हमें क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ में आएगा।